आज आखिरी दिन है होली का, तो क्या होगा? तो अभी खेल के जाओगे पूरा? एक महीने तक चलती है, तो उसका आखिरी दिन आज है। आगे भी बांकी बिहार की और राजा रानी की जब बात हुई है तो दोनों में बेस्ट कौन है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, अरे वाह, मुझे लग रहा है ये बहुत आपका भाव बहुत अंदर का है, दोनों एक ही है, वास्तविकता यही है। बोरिस लाडली सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया श्री राधा रानी के महल में, और आज राधा रानी के महल में जो आज विशेष दर्शन है वो दर्शन इस प्रकार है कि आज राधा रानी स्वयं भक्तों के लिए अपने गर्भगृह को छोड़ के नीचे छतरी में आई है। वो विशेष दर्शन के लिए आप हमारे आज का वीडियो आप जरूर देखो और अंत तक देखें। आइए चलते हैं और दिखाते किस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ है श्री राधा रानी महल पे। लाडली सरकार की जय, पुष्प वर्षा आप देख सकते हैं श्री जी महल में, पुष्प वर्षा हो रही है इस समय, डोले के नीचे आप देख सकते हैं। अद्भुत आनंद श्री राधा रानी महल प्रांगण के नीचे सफेद वाली छतरी में, जो कि इस छतरी में मैं आपको बता दूं साल में 3 बार श्री राधा रानी नीचे आती है, जिसमें एक होली, एक राधाष्टमी और एक हरियाली तीज। ये 3 दिन विशेष तौर पर राधा रानी गर्भगृह को छोड़कर नीचे दर्शन देती है अपने भक्तों के। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा रानी महल प्रांगण के। आज के जो दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत इस प्रकार से है कि आज श्री राधा रानी स्वयं नीचे भक्तों के लिए इस छतरी में आई है, और ये विशेष दर्शनों में माना जाता है श्री राधा रानी मंदिर पे, और समाज गायन भी है, उसकी भी हम दर्शन कराएंगे आपको। राधे राधे। ये देख सकते हैं आप किस तरह से श्री राधा रानी मंदिर में ये आनंद की जो छटा श्री जी महल में जो छाई हुई है उसके आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और सवा महीने की होली लगा बसंत पंचमी से आज आखिरी दिन है होली का, श्री राधा रानी के इस धुलड़ी के दिन आज के दिन आज समाप्त हो जाएगी ब्रज की होली। वो लाडली सरकार की जय। ये आप देख सकते हैं श्री राधा रानी महल प्रांगण से, और उससे पहले मैं आपको ये श्री राधा रानी महल के दर्शन कर रहे हैं आप आज सफेद छतरी के नीचे। राधे 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 राधे। कहाँ से आए आप? राधे राधे। आप कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल से आए, तो पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको राधा रानी का? बहुत सुंदर। अच्छा, ब्रज में कई जगह हैं, गोकुल है, वृंदावन है, तो उनमें सबसे अच्छा कौन सा स्थान लगता है राधा रानी का? बरसाना लगता है। तो आप देख सकते हैं कि बरसाना का जो आनंद है वो अपने आप में अलग है, और लोग प्यार करते हैं बरसाने से, ऐसा नहीं है, लोग प्यार करते हैं बरसाना से। और ये आपका श्री धाम बरसाना, ये देखिए, ये श्री राधा रानी की गोद से कहा जाता है। ये भाग्यशाली हैं जिन्होंने श्री जी के इस चरण रज में जो जन्म लिया, इनसे भाग्यशाली संसार में कोई नहीं हो सकता। ये श्री धाम बरसाना के आप दर्शन कर रहे हैं श्री जी महल से। राधे राधे। आप कहाँ से आए? इंदौर से। लखनऊ से आए, तो पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार दर्शन कर रहे हैं बरसाना में, तो बरसाना में और ब्रजमंडल में और कौन कौन से दर्शन किए हैं इससे पहले आपने? अच्छा, मथुरा और वृंदावन किया है, अब बरसाना आए, तो सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? अभी तो यहाँ फूलों की होली खेली जा रही है, सुंदर लग रहा ना बरसाने में। अच्छा, रंगों की होली वृंदावन में खेली है, तो आपने बरसाने की लठामार होली नहीं देगी? वो बहुत बड़ा आनंद था जो आपने छोड़ दिया, पर अगली बार ध्यान रखना। ये आपकी 12 मार्च की थी, 11 मार्च की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।
अब आपको हम मेले के ऊपर लेके चलते हैं और वहां से दर्शन कराते हैं। ये अद्भुत आनंद जिसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं, कितना आनंद है श्री जी मेल के ऊपर, और सफेद छतरी में जो दर्शन आप कर रहे हैं वो अद्भुत है, और बरसाना की भी दर्शन हो रहा है, भक्तों का भी दर्शन हो रहा है, राधा रानी का भी दर्शन हो रहा है। ये त्रिकोणीय जो आनंद है आप दर्शन कर रहे हैं इस समय श्री राधा रानी मंदिर से। हाँ, और किस तरह का आनंद है आप देखिए, नफीरी और मृदंग बज रहा है, आप उसके दर्शन कीजिए। जय हो। कहाँ दर्शन कराया आपने इनको, कहाँ दर्शन किया है इन्होंने? वृंदावन बरसाना। वृंदावन और बरसाना, तो सबसे ज्यादा मन कहाँ लगा इनका? राधा रानी के पास। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा मन ठाकुर जी का राधा रानी के मंदिर में ही लगा, वो तो है ही है, बिना राधे के कृष्ण क्या है। किस तरह से केसरिया रंग में मंदिर अभी भी लगा हुआ है, और ये हमारे श्री राधा रानी का महल प्रांगण जिसमें विराजमान होंगी थोड़ी देर बाद, जो आरती होगी संध्या आरती। बोलो लाडली सरकार की। चलिए अब आपको और दर्शन कराते हैं, और वीडियो में आप आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। ये विशेष जो दर्शन है आपको ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, और ब्रज दर्पण आपको ब्रज के समस्त दर्शनों के लिए हमेशा प्रेरित रहेगा। जय हो। जय हो। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है। बोली श्री लाडली सरकार की जय। ये अद्भुत आनंद जो परिकल्पना से भी बाहर है हम सब लोगों के, और इस रस को पीने के लिए 3300 करोड़ देवता भी तरसते हैं, उसका छवि का आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रानी निज महल से। आज श्री राधा रानी छतरी के नीचे जो दर्शन दे रही हैं आप देख सकते हैं कितनी प्रेम में ये दर्शन है, और भक्तों के साथ में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब अपना आनंद ले रहे हैं इस समय श्री राधा रानी महल प्रांगण से। श्री राधे राधे। राधे राधे, कहाँ से आए आप सब लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए, तो पहली बार आप यहाँ आते रहते? सेकंड टाइम आए। अच्छा, होली पे नहीं आए, होली के बाद आ जाए? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको बरसाना में? समय बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो दर्शन आज जो कर रहे हैं सफेद छतरी में, इससे पहले आपने कभी किए यहाँ? नहीं, नहीं, सफेद छतरी के नीचे पहली बार कर रहे हो, तो आप सभी भाग्यशाली हैं बहुत हैं। चलिए चलिए, राधे 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 राधे। तो इन्होंने सफेद छतरी के जो दर्शन किए वो पहली बार दर्शन किए हैं, और कुछ लोग बार बार आते हैं, कुछ लोग पहली बार आए हैं, और एक कलर ये भी है। कहाँ से आए आप लोग? भोपाल से आए। हाँ। तो अभी तक होली खेल रहे हैं? होली तो आज आखिरी दिन है होली का, तो क्या होगा? तो अभी खेल के जाओगे पूरा? एक महीने तक चलती है, तो उसका आखिरी दिन आज है? आगे भी चलेगा। अच्छा, बरसाना पहली बार आए? सेकंड टाइम आए। अच्छा, ये जो छतरी के दर्शन हो रहे हैं वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चलिए भैया, राधे राधे। अच्छा, कुछ सवाल जवाब करने हैं। ये जो रंग चढ़ा हुआ है अभी उतरो ना है? अभी इतने जल्दी नहीं उतरने वाला ये रंग। अच्छा, ये राधा नाम का रंग कि कृष्ण नाम का रंग है? राधा और कृष्ण दोनों नाम, दोनों का नाम है। सामने में कोई और कलर नाम का रंग बनी नहीं, बनी नहीं सकता। अरे वाह, चेहरे पे नहीं, हमारे मन में उतर, मन में उतर चुका है। भैया जी कहाँ से आए आप लोग? जी मैं भोपाल से आया। भोपाल से आप? भोपाल महाराष्ट्र, नागपुर से। महाराष्ट्र नागपुर, नागपुर नागपुर नागपुर। अरे वाह, तो आपको श्री जी के महल के अब इस समय जो बैठे हो,
ब्रजमंडल में आपने जगह जगह दर्शन किए, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, लेकिन बरसाना आपको कैसा लगता है? अभी तक बरसाना का व्यू एक खूबी है, बरसाना की एक खूबी है कि होनी है, पर जगह अलग है, टॉप पर है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कहाँ से आए आप माता जी? महाराष्ट्र से, जलगांव। अच्छा, तो पहली बार आप दर्शन कर रहे हैं श्री जी महल पे? नहीं, छठी बार आ रही। छठी बार आ रहे हो, तो जो राधा रानी की जो सफेद छतरी में जो दर्शन आज आप कर रहे हो, ये पहली बार कर रहे हो? हाँ, ये तो पहली बार कर रहे हो। पहली बार कर रहे हो, तो आप ये बताइए, ब्रज में गोकुल भी है, गोवर्धन भी है, वृंदावन भी है, लेकिन बरसाना को किस तरह देखते हैं? बरसाना को तो मतलब काफी अटैचमेंट है दिल से, जिस तरह से बाकी भी आ रही है उस तरह राधा रानी है, तो राधा रानी तो सबकी महारानी है। अच्छा, अब बाकी बिहार की और राधा रानी की जब बात हुई है, तो दोनों में बेस्ट कौन है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, अरे वाह, मुझे लग रहा है ये बहुत आपका भाव बहुत अंदर का है, दोनों एक ही है, वास्तविकता यही है। तो आप जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे, राधे राधे, आराम से धन्यवाद धन्यवाद। ये श्री जी की कृपा सीधे हमारे पास आई है, जो कि आप देख सकते हैं पुजारी जी ने हमको दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मंदिर पे राधा रानी के ऊपर लाने की तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन ने रस्सा लगा के लोगों को रोक दिया, भक्त लोगों को, और जैसे ही ऊपर आएंगे मुझके भी आपको दर्शन कराएंगे। और आज कितने सुंदर भाव में इतने सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो श्री राधा रानी का आप देख सकते हैं डोला पुजारीगढ़ लेके आ रहे हैं, सामने छतरी चल रही है। और ये राधा रानी के डोला की तैयारियां देख सकते हैं किस तरह से यहाँ उमंग है, और उस उमंग के दर्शन आप कर रहे हैं श्री राधा रानी महल प्रांगण से। दर्शन आप कर रहे हैं श्री राधा रानी महल प्रांगण में, अब यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो आज की आरती करती हैं, पुजारी जी नहीं करते हैं, आज की जो आरती होती है वो यहाँ की बेटियाँ करती हैं। आप देख सकते हैं उसकी तैयारी भी पूरी तरह से हो चुकी है। हमारा ये वीडियो आपका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके शेयर करके और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। तो श्री राधा रानी मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, राधे।